मेरा नाम है साहिद। सर क्या देखा आपने? मैंने ये देखा सर, मैं इधर से आ रहा था लोनी से, सिलमपुर की ओर जाना था मेरे को। मैंने देखा यहाँ गाड़ी एक्सीडेंट होके डली हुई है, फिर सवारी उतार के फिर रिटर्न में वापसी आके देखता हूँ कि गाड़ी में ये लोहा लंगड़ पड़ा होता है और दो बंदे ऐसे पड़े होते हैं एकदम ख़त्म होता स्पोर्ट पर। जो आगे वाला था इसकी तो पूरी हो चुका था क्लियर, क्या ये ख़त्म हो गया। मैंने पुलिस वाले से रिक्वेस्ट करी, मैं सर हाथ लगा के देख सकता हूँ? उन्होंने कहा बेटा हाथ लगा ले, देख ले इसकी धड़कन। मैंने धड़कन देखी तो उसमें सांस थी, फिर हमने कोशिश करी आगे वाले को निकालने की और पीछे वाले को निकाल के हमने पहले हम वो 100 नंबर की गाड़ी में जिप्सी में हमने उसको पीछे वाले को बिठा के भेज दिया अस्पताल। अब ये एम्बुलेंस आई, फिर आगे वाले को सब भाइयों ने हेल्प करी, उसको निकाला, अब उसको पहुँचाया अस्पताल। ये सारा कहानी, ये कम से कम 2-2.5 घंटे से ऊपर हो चुका है इस एक्सीडेंट को तो। हाँ, जब से ही सब लगे पड़े हैं यहाँ, जब से ही बराबर सब मेहनत कर रहे हैं सारे के सारे इसके अंदर। इसके गाड़ी वाले ओनर को भी कई बार फोन लगाया, उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं और ना कोई जवाब है। और यहाँ पर अखबार उड़ा दी क्या गाड़ी चोरी की, अगर चोरी की होती तो 1 मिनट में फ़ोन उठाता ओनर को भी, जाहिर सी बात है। गाड़ी का ड्राइवर है, लोग बाग कह रहे हैं जिन्होंने ये गाड़ी पहचान ली करदमपुरी की है, उनका मानना है क्या ये चोरी करके भागा है। वो ड्राइवर को ड्राइवर नहीं मानने, कहने का मतलब है ये वो चोर है, ड्राइवर है वो गाड़ी का। अब ये बात मैं अभी कह रहा हूँ, उस गाड़ी का ड्राइवर है क्योंकि मैंने भर्ती देखी, इन भाइयों ने भी देखी है, गाड़ी का ड्राइवर है वो, गाड़ी का ड्राइवर है सर, और कोई बात नहीं है। मेरा मोहम्मद शकील नाम है भाई। शकील जी क्या देखा आपने? हम यहाँ से जा रहे थे तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ हुई हुई थी, देखा कि भाई यहाँ पे भीड़ क्यों हो रही है, तो एक एक्सीडेंट ऑटो खड़ा हुआ था यहाँ पे, उसके अंदर दो बंदे थे, एक पीछे बैठा हुआ था और एक आगे ड्राइवर था। तो हमने निकल के देखा इसमें उसके के भाई जिंदा है नहीं है, तो उसकी सांस नहीं चल रही थी आगे वाले ड्राइवर की, टांगे वांगे उसकी सब गाड़ी के अंदर दब चुकी थी। तो यहाँ पे काफ़ी पुलिस वाले थे, एम्बुलेंस भी आई हुई थी, तो बंदा निकल नहीं पा रहा था, ऐसा लग रहा था इसे गाड़ी को काट करके निकाला जाएगा, तो बहुत बुरी हालत थी उसकी। तो यहाँ पे थोड़े लोहे के पाइप वगैरह थे इस गाड़ी के अंदर से, वो निकाल के तो CAC के अंदर इसके डाला, निकाला सब लोगों ने, 15-20 जनों ने मिलके, तो उस बंदे को निकाल के एम्बुलेंस में भेजा है। नहीं इसमें दो बंदे ही देखे थे हमने, एक को पहले निकाल के भेज दिया एम्बुलेंस में, ऐसा लग रहा है कि वो बच सकता है, और एक को बाद में। इसकी हालत तो मतलब ऐसा लग रहा है कि एक्सपायर हो चुका है, मतलब डेट हो चुका है ऐसा लग रहा है बंदा। टांगे वांगे बिल्कुल ऐसा लग रहा है, 4-5 जगह से टांगे टूट चुकी हैं, गर्दन भी टूटी हुई लग रही है। दब गया था वो बड़ी मुश्किल से, उसको गाड़ी को खींच के बड़ी मुश्किल से निकाला है। सभी लोगों ने, बहुत सारे लोग थे यहाँ पे, 50-60 लोग थे पुलिस वालों के सामने ही।